मैथमेटिक्स की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या था। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल एंड गिव रीजन। आपको बताना है कि या दोनों सेट आपस में इक्वल हैं तो इसके लिए रीजन बताना। रीजन के मतलब हो गया कि अगर इक्वल होंगे तो जाहिर सी बात है दो बोथ हैव द एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए। यही कंडीशन बताया गया था। इक्वल का मतलब होता है कि दोनों सेट में इक्वल सेम एलिमेंट हो। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर सेट ए दे दिया, सेट ए इज इक्वल टू 2 एंड 3 दिया है, और सेट बी इज इक्वल टू को थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सेट बी इज इक्वल टू एक्स एज दैट एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का फैक्टर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, पहले ये देख लेते हैं। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड प्लस 6। अगर इनका पेयर बनाकर फैक्टर कर लिया जाए सो एक्स प्लस 3 एंड प्लस 2 एंड एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड बोथ आर टेकिंग इक्वल टू 0 देन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। इफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। ऐसे केसेस में सेट ए इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2 3 एंड सेट बी इज इक्वल टू माइनस 2 एंड माइनस 3 मिल रहा है। माइनस 2 एंड माइनस 3 मिल गया। तो अब आप देखकर बताइए क्या ये इक्वल सेट है। ये इक्वल सेट तो नहीं है क्योंकि ए और बी में एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं भाई, एक माइनस में और एक प्लस में है। रीजन आपका यही है बिकॉज बोथ है वन पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स है, दोनों में एग्जैक्टली सेम नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वल सेट नहीं हुआ बट ये इक्विवेलेंट होगा बिकॉज दो एलिमेंट इसमें है तो दो एलिमेंट इसमें भी है। सो इट इज नॉट इक्वल टू ए, नॉट इक्वल टू बी, बट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट में ए इज इक्वल टू जो सेट दिया गया है एक्स एज दैट एक्स इज लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो फॉलो में जो भी वर्ड में जो लेटर उसको लिख लीजिए एफ ओ एल एंड डब्ल्यू। और बी सेट जो दिया गया है वो दिया है डब्ल्यू कॉमा ओ कॉमा एल एंड एफ। देखिए एफ एफ है, ओ है, एल है एंड डब्ल्यू है। सारे लेटर्स आपस में मैच कर रहे हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी एंड दिस सेट आर इक्वल सेट है। सिंपल है। देखिए सिंपल का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको इक्वल और इक्विवेलेंट, आप बोलेंगे ये तो बहुत इजी चल रहा है, लेकिन जब हम इनका थ्योरम में जब हम इनका यूज करना शुरू करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम ना है, इसलिए मीनिंग आप देखते हुए चलिएगा। ठीक है ना, और साथ ही साथ जो इंट्रोडक्शन पेज दिया जाता है एक्सरसाइज के पहले आप उसको एक बार अच्छे से रीडिंग कीजिए और इससे बेस पर जो एग्जांपल्स होते हैं उनको भी सॉल्व करते चलिएगा। इजी है या आपको समझाने के लिए होता है कि यह होते क्या। समझ लीजिए आप जैसे मल्टीप्लिकेशन प्राइमरी क्लास में फर्स्ट क्लासेज में मल्टीप्लाई सीखते हैं, उसके बाद आप उस पर टेबल पढ़ना शुरू करते हैं, फिर मल्टीप्लाई लॉन्ग लॉन्ग शुरू करते हैं, फिर उसके वर्ड प्रॉब्लम आना शुरू कर देता है, वर्ड प्रॉब्लम आते आते कैलकुलेशन थोड़ा पढ़ना शुरू हो जाती है। वैसे ही आप सीख आप बेसिक शुरू कर रहे हैं बिकॉज क्लास 11 से ही आपका सेट स्टार्ट हुआ है, तो बेसिक आप सीख रहे हैं, इसके बाद धीरे धीरे ये इसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इजी है, आप एक बार ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 6 पर लेकर चलते हैं। 2 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, आपको बताने के लिए कह रहा है। इक्वल सेट में जैसे देखिए आपको सेट ए दे दिया है 2 4 8 12 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 सी इज इक्वल टू 4 8 12 40 एंड डी इज इक्वल टू 3 1 4 2 एंड ई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 0 ए 1 माइनस 1 एंड 0 1 है। तो आपको इसमें ये देखना है कौन कौन से बराबर, मतलब जिसमें सेम एलिमेंट हो जाए वह आपके इक्वल सेट हो जाएंगे, वहीं तो इक्वल सेट होंगे, और जिसमें जो डिफरेंट होंगे उनको हम डिफरेंट कर लेंगे। तो सेम एलिमेंट को हम सर्च करते हैं। जैसे मैं मान लूँ सबसे पहले अगर हम इसके सोल्यूशन को लिखते हैं तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू क्या है 2 4 8 एंड 12 है। तो अब सर्च करते हैं कि 2 4 8 12 कहाँ मिलेगा। देखिए यहाँ पर 4 8 12 मिल रहा है लेकिन 14 है और यहाँ पर 2 है, तो a और c बराबर नहीं हुए, b होगा नहीं बिकॉज यहाँ पर 2 3 4 है। तो यही एलिमेंट कहाँ कहाँ होंगे, d में देखिए है क्या 3 1 4 2 है, नहीं होगा इक्वल सेट। E इज इक्वल टू देखिए नहीं है, मतलब हमारे पास अगर 2 4 8 12 की बात कर लें तो यह आपस में किसी के साथ इक्वल नहीं बना रहा, ए जो है सेट ए इक्वल किसी के नहीं हो रहा है।
अब हम बी सेट की बात कर रहे हैं, बी सेट में देखिए क्या है, 1 2 3 4 है, और कहीं देखिए 1 2 3 4 है, वहाँ पर है 1 2, डी सेट में है 1 2 3 4। हम ये कह सकते हैं कि बी इज इक्वल टू सेट डी है बिकॉज दोनों में एलिमेंट 1 2 3 4 है, तो बी और डी आपस में इक्वल सेट बना रहे हैं, बी और डी क्या होंगे, इक्वल सेट बना रहे हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ सी के लिए, तो सी देखिए, सी में 4 8 12 एंड 14 है, तो 4 8 12 है लेकिन 14 नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी, तो ये मतलब सी भी किसी के साथ इक्वल सेट नहीं बना रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में देखा, डी के बारे में, तो डी तो ऑलरेडी बना चुका है बी के साथ 1 2 3 4, तो बी एंड डी आर इक्वल सेट हो गया। अब हम ई की बात करें, सेट ई देखा जाए तो -1 एंड +1 है, यहाँ पर नहीं, हाँ यहाँ पर है -1 एंड +1 है, तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा E इज इक्वल टू जी के इक्वल है बिकॉज दोनों सेटों में -1 एंड +1 एलिमेंट आ रहा है। लेकिन अगर F की बात किया तो यहाँ 0A है, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 0A है, तो F और H इक्वल सेट नहीं है, इक्विवेलेंट जरूर है, क्या है, इक्विवेलेंट जरूर होंगे, ठीक है। अब ये ही दोनों बनेंगे, उसके बाद E और G बन गया, तो मेरे हिसाब से और कोई भी सेट नहीं है जो कि इक्वल सेट बनाए। अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछूं कि कौन कौन से इक्विवेलेंट है आप बताइए, चलिए क्वेश्चन और इसमें थोड़ा सा जोड़ लेते हैं, इक्विवेलेंट सेट के बारे में पूछा जाए तो इक्विवेलेंट में कौन कौन सा होगा, जैसे देखिए ए बी सी और डी, इन सभी में सेट में 4 4 एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 कुल मिलाकर 4 एलिमेंट है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एन ए एन बी कार्डिनल नंबर आप बी, मतलब इनमें कितने एलिमेंट है, कॉर्नर नंबर आप सी एंड कॉर्नर नंबर आप डी की बात करें तो इसमें सभी में 4 4 एलिमेंट है, इसलिए ए बी सी डी, ए बी सी डी आर इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट्स, ओके। और सिमिलरली ई एफ जी एच, ई एफ जी एच की बात कर लें, ई एन ई है ना, एन एफ और एन जी और NH की बात कर लें तो इनके कॉर्डिनल नंबर बराबर हैं, सो ई एफ जी एच आर इक्विवेलेंट सेट। हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे पूछा नहीं था, मैंने आपको इक्विवेलेंट के बारे में बता दिया कि आप इक्वल देख लीजिए, साथ ही साथ इक्विवेलेंट भी सोचते चलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, इक्विवेलेंट के बारे में पता चल जाएगा, कॉर्नर नंबर का क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में तो इस तरह से आप इसको भी तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। तो एक बार ये कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1.2, हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 लेकर चल रहे हैं, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए।